अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपकमिंग 8 न्यू प्रोजेक्ट ऑन बायनास लिस्टिंग के बारे में, यानी कि बायनास पे जो साल 2023 स्टार्ट होने के बाद ये प्रोजेक्ट हम देखेंगे, इनकी तमाम मालूम मैं आपको यहाँ पर फराहम करूँगा। और वो दोस्त जो अक्सर हमसे ये शिकवा गिला करते हैं कि उस्मान भाई, हमें अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट जो स्ट्रॉन्ग भी हों उनकी मालूम तब मिलती है जब वो अपनी मार्केट में अच्छी खासी जगह बना चुके होते हैं, उनका टोकन पंप कर चुका होता है, तो हम उसका फ़ायदा उठाने से अक्सर औकात जो है कि पीछे रह जाते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को आप सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, साल 2023 पूरे के प्रोजेक्ट के लिए अपने पास सेफ भी रख सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि ये प्रोजेक्ट आने हैं और आपकी इनकी पूरी तैयारी हो। सो गाइज, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइज, ये टोकन जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ पर इनकी कई प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पर प्री सेल इनकी स्टार्ट हो चुकी है। ये सभी टोकन इस वक्त अंडर एग्जामिन है, बायनास इनकी अच्छी खासी वेरिफिकेशन कर रहा है। कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट हैं, कुछ डाइफी के हैं, तो यहाँ पर बायनास एक मैसेज भी आपको दे रहा है कि बायनास हैज़ अ स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड ओनली लिस्ट हाई पोटेंशियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टर ऑफन लुकिंग टू द लेटेस्ट एडिशंस। वी एग्जामिन 8 टॉप क्रिप्टो करेंसीज डेट कुड पोटेंशियल लिस्ट ऑन बायनास इन 2023। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो 2022 में जितने भी इनको मुश्किलात का सामना रहा, यहाँ पर सीजी ने कुछ स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के मराहिल यहाँ पर रख दिए हैं जो हर क्रिप्टो लिस्ट करने वाले ओनर को यहाँ पर पूरे करने होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोकन 100% पोटेंशियल ही होंगे, लेकिन क्रिप्टो में इंजॉय करने के लिए हमें कम अज़ कम इन चीज़ों पर बिलीव करना पड़ता है। गाइज, इससे पहले कि हम टोकन्स की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताता चलूं कि इनमें से कुछ NFT के प्रोजेक्ट भी होंगे, ठीक है, जिनका अब मार्केट में दौर दौरा बनता चला जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में NFT का बड़ा ट्रेंड आया, और अभी रिसेंटली हमें जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है, जाहिर बात है आप जानते हैं कि अर्जेंटाइन यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो अर्जेंटाइन से जुड़ी बहुत सी ऐसी NFTs जो मेसी की एक यादगार समझ लें कि हिस्ट्री बनाने जा रही हैं, उन NFT के प्राइस आगे चल करके बड़े बढ़ सकते हैं। NFT से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, खास करके मेसी से जुड़े, उनकी यहाँ पे बड़ी वैल्यू बन जाएगी। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं 8 न्यू क्वाइंस लॉन्चिंग सून ऑन बायनास के बारे में। अब ये यहाँ पे कंसीडर राइट नाउ क्या कह रहा है उस पर बात कर लेते हैं कि जी, पहला प्रोजेक्ट होगा जो 2023 में लिस्ट होने जा रहा है, उसका नाम है फाइट आउट। ब्रांड न्यू क्रिप्टो फिटनेस प्रोजेक्ट है ये, इसमें सेम GMT की तरह का ये प्रोजेक्ट होगा, जिस तरह मे बी ये आगे चल करके अपनी कोई एप्लीकेशन लॉन्च करें जिसे हम कहते हैं कि प्ले टू अर्न, ठीक है, जैसे आप एक्सरसाइज का होगा तो मूव टू अर्न, मूव करेंगे तो आप अर्न करेंगे विद अ मूव टू अर्न मैकेनिज्म, ये देखें इसके सामने लिखा हुआ है। तो ये एप्लीकेशन शुरुआत में आती हैं, आपको एक फ़ायदा देती हैं। तो ये फाइट आउट का जो टोकन होगा उसका नाम जो भी होगा, हो सकता है कि उसका कोड वर्ड यहाँ पर रखा जाए FTT रख दिया जाए, FTT2 रख दिया जाए, anyway, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों डैश का। अब आप सोचेंगे कि मार्केट में पहले से ही डैश मौजूद है, ये डैश 2 ट्रेड का एक एडवांस क्रिप्टो एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म होगा, इसे हम यूटिलिटी टोकन कह सकते हैं। अच्छा, अब प्री सेल की मैंने स्टार्ट में बात की थी, आपको याद होना चाहिए, तो मैं डैश 2 की प्री सेल की वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी आपको पता होगा कि कैसे बाइंग करनी है कैसे नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो तलाश करनी है तो आप हमारी सर्च बार में जाकर या यूट्यूब की सर्च बार में जाकर आप लिख सकते हैं डैश 2 टोकन बाय उस्मान हुसैन या डैश 2 टोकन बाय अल मक्का टेक, ऐसा कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा डैश 2 जो होगा वो डैश 1 का प्रोजेक्ट है नहीं है, ये आगे चल करके पता चलेगा, लेकिन इसे 2 कहा गया है तो कोई तो आपस में इनका समझ लें कि आपस में कोई कनेक्शन होगा या रिश्ता हो सकता है। तीसरा यहाँ पर दोस्तों टोकन हो सकता है C+ चार्ज ब्लॉकचेन पावर्ड ईवी चार्जिंग ऐप। अच्छा, ये ईवी है, यानी कि जैसे कि बायोमेट्रिक होता है, ये वैसे ही कोई प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन की, ठीक है, पावर्ड की। तो सी चार्ज अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर लिस्ट होगा, इसकी भी प्री सेल ओपन हो सकती है जैसे डैश 2 की प्री सेल लग चुकी है। चौथे पे है दोस्तों रोबोटेरा, ठीक है, रोबोटेरा कह लें या रोबोटेरा जिस तरह भी, मेटावर्स का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट विद रोबोट्स एंड वर्चुअल लैंड्स। अच्छा, अब आप जैसे जानते हैं कि 2022 तो बहुत बुरा रहा मेटावर्स को लेके, सिर्फ जनवरी फरवरी में, यानी कि 2022 जनवरी फरवरी में हमने देखा कि मेटावर्स के प्रोजेक्ट चमके, दुनिया ने कमाया, मार्च तक लोग कमाते रहे, लेकिन आफ्टर 9 मंथ्स यानी कि
आफ्टर द मार्च अगले 9 महीने मेटावर्स की मौत हो गई, मेटावर्स से दुनिया कमा नहीं सकी, लिहाजा रोबोट एरा जो है वो मेटावर्स का प्रोजेक्ट होगा चौथे पे। फिफ्थ पे अब दोस्तों बात करते हैं क्लावेरिया का एनएफटी का, ये प्रोजेक्ट है एनएफटी कार्ड गेम बिल्ट इन ऑन द ब्लॉकचेन। सो गाइस, क्लावेरिया का पहले भी एक मार्केट में प्रोजेक्ट आ चुका था, वो भी थोड़ा सा कामयाब रहा, लेकिन एनएफटी कार्ड गेम को इतनी दुनिया जानती नहीं है। आई होप कि 2023 में एनएफटी कार्ड गेम को दुनिया समझेगी तो ये इसके प्रोजेक्ट की वैल्यू भी बढ़ सकती है। फिफ्थ पे दोस्तों क्लावेरिया के बाद मैं समझता हूँ कि IMPT टोकन की थोड़ी सी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसकी भी प्री सेल जारी है। डैश 2 के बाद IMPT की प्री सेल सस्टेनेबल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग टोकनाइज कार्बन क्रेडिट है। अच्छा, यहाँ पर आप नोट्स भी खरीद के जो है अर्निंग कर सकते हैं मंथली सालाना, इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो मौजूद थी। और IMPT की दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पिछले एक साल से प्री सेल चल रही है, और अभी भी अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन अभी बाकी होंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि अभी आप इसे सिर्फ और सिर्फ पैनकेक स्वैप पे बाय कर सकते हैं। ले अगर हम इसे कंपेयर करें बायनास से, तो हमें वेट करना चाहिए कि बायनास जैसा प्लेटफॉर्म जब IMPT को यहाँ पे थोड़ी सी इज्जत अफजाई करेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप पैनकेक स्वैप पे अभी और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से 15 सेंट उसकी कीमत चल रही है, 10 से 15 सेंट, तो बायनास जैसा प्रोजेक्ट अगर इसे लिस्ट करता है तो इसके प्राइस 15 सेंट तो नहीं रहने वाले। लिहाजा अगर आपके अकाउंट में IMPT सिर्फ $10 का हो, ओनली 10, इससे ज़्यादा की लालच मत कीजिएगा, तो ये $10 आपके कल को $100 बन सकते हैं, 100 से 200 भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये जस्ट मैं अपने आपको अपना दोस्त समझ कर एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता भी है क्रिप्टो में, ठीक है। तो IMPT की पहले तो कीमत थी 0.05, फिर 0.10 हुई, तो अभी वो आपको अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा IMPT की। एक बात ध्यान में रखिएगा कि IMPT का मार्केट के अंदर फेक वर्जन बहुत आया हुआ है, तो थोड़ी एहतियात कीजिएगा। सेवंथ पे दोस्तों लकी ब्लॉक इनोवेटिव क्रिप्टो इकोसिस्टम विद बिटकॉइन कैसीनो, यहाँ पर कुछ गेमिंग का हिसाब किताब होगा, कैसीनो गेमिंग लकी ब्लॉक, वो आपको प्ले टू अर्न भी हो सकती है उसकी एप्लीकेशन। तो लकी ब्लॉक का आगे चल करके नाम क्या निकलता है ये हमें वक्त बताएगा। एट्थ पे है दोस्तों टैमाडोज, ये आप जानते ही होंगे कि प्ले टू अर्न गेम विद NFT पेट्स है। अच्छा, ये OKX पे पहले से ही लिस्टेड है, वो दोस्त जिससे जो इससे टैमाडोज को थोड़ी सी क्वांटिटी पे, अब आपको पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ 2 टोकन बताए हैं, एक IMPT $10 का हो आपके पास, एक टैमाडोज आपके पास $10 का हो, तो ये सिर्फ $10 आपको आने वाले वक्तों में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। देन अदरवाइज आप मेरे इस आइडिया को इग्नोर कर सकते हैं, खुद इस प्लेटफॉर्म पे जाकर वर्क करें IMPT के ऊपर, टैमाडोज पे अच्छा वक्त लगाएं, चाहे महीना लगा दें, क्योंकि ये अभी टोकन लिस्ट नहीं होने वाले। तो ये प्रोजेक्ट टैमाडोज का, क्योंकि OKX पे पहले भी बताया कि लिस्ट हो चुका है, तो OKX पे आप इसे $10 पे बाय करके रख सकते हैं आने वाले वक्तों के लिए। अभी इसकी प्राइस बहुत गिर चुकी है, आई थिंक 0.2 पर जा चुकी है, 0.6 से ये मार्केट में आया था, तो मार्केट का जो अभी फ़िलहाल हाल है उसके मुताबिक ये बहुत चीप है, मज़ीद चीप हो सकता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डेट्स की। दोस्तों इसकी डेट्स जो हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुई, आप हमारे साथ कीप इन टच रहते हैं, आई होप कि जैसे ही इनकी डेट अनाउंस होगी कि ये 8 प्रोजेक्ट 2023 में कब लिस्ट हो रहे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन अपडेट दूंगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।